क्लीन करनी है, हर चीज लोकल स्टाफ है जो मेडिकल के है कि आप आज आए ऑफिशियस वर्ड्स योर यहाँ से बच्चे आए हैं यहाँ के रहने वाले मेरा नाम रूहानी आर्या जी, आज हमारी सेकंड बैच के लिए हमने फ्रेशर्स पार्टी रखी है। हमारा फर्स्ट बैच था जीएमसी डोडा का, तो लास्ट ईयर हमारी फ्रेशर्स पार्टी नहीं हो पाई, मगर इस बार नया बैच आया तो उनको यू नो फैसिलिटेट करने के लिए हमने उनके लिए फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है जो कि आप देख ही सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत मज़ा आ रहा है, हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, जैसे कि लास्ट टाइम हमें नहीं मिल पाई फ्रेशर्स पार्टी, तो इस बार हमारी डबल एक्साइटमेंट है। हमने फर्स्ट टाइम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, डांस परफॉर्मेंसेज भी है, स्किट्स भी बच्चों ने परफॉर्म करी है, सिंगिंग परफॉर्मेंसेज है और भी बहुत सारी परफॉर्मेंस है, तो इट इज़ ए फन फिल्ड इवेंट। प्रोग्राम तो छोड़िए, हमारी तो क्लासेस भी ऑफलाइन हो गई थी, घर पे बैठे बैठे यू नो बेकार हो गए थे एकदम से, तो वापस आए हैं वही एंथुजियाज्म लेकर हम आए हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें ये सब ऑर्गेनाइज करने में। आई एम सहर सलीम फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा एंड आज हमारे कॉलेज का फ्रेशर्स डे था, मोर ओवर हमारे कॉलेज ने एक साल कंप्लीट कर लिया है, सो इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ बोथ द फ्रेशर्स एंड कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ आर कॉलेज, एज हमारा कॉलेज लास्ट ईयर ही इस्टेब्लिश हुआ था एंड हमारी सेलिब्रेशन में यही था कि हमारे जूनियर्स यानी कि बैच फर्स्ट के स्टूडेंट्स बैच सेकेंड के यानी कि हम सीनियर्स थे एंड हमारे जो चीफ गेस्ट थे ही वॉज SSP डोडा एंड हमारे स्पेशल गेस्ट में ADC सर आते हैं एंड वी हैड अ लॉट ऑफ डिग्निटरीज जो कि हमारे हॉस्पिटल से और हमारे कॉलेज से एसोसिएटेड थे। आर प्रिंसिपल वॉज प्रेजेंट हियर एंड यहाँ पे कल्चरल कल्चरल शोज दिखाए हमारे स्टूडेंट्स ने, वी शोड द टैलेंट एंड वी आर रियली हैप्पी दैट वी मार्क दिस थिंग कि हमारे कॉलेज ने इतनी तरक्की की है दैट हमारा बैच सेकेंड भी आ चुका है एंड टाइम फ्लाइज, दिस इज इट। एग्जैक्टली खुशी तो बहुत ज़्यादा है बिकॉज हमारी क्लासेस भी मिस हो गई थी कहीं, आई थिंक 3 महीने तक हमारी क्लासेस बंद रही थी फर्स्ट ईयर की, सो वी मिस्ड आवर कॉलेज ऑल्सो एंड इट्स रियली हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी कि हम अपने सारे कॉलेज के साथ मिलके ये सेलिब्रेशन कर पा रहे हैं एक साथ बिना किसी कोविड के डर के। हम पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करके फ्रेशर्स पार्टी हमने ऑर्गेनाइज़ करी थी। हमारा नाम जाफर फिरदौस है, हम यहाँ GMC डोडा में MBBS परस्यू कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। हमारा जो आज इवेंट था फ्रेशर्स डे था, जो कि हम वेरी थैंकफुल टू द प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलेज है जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम एक फ्रेशर्स अरेंज करें जो कि एक ज़रूरी इवेंट होता है ताकि जिसमें फ्रेशर्स और सीनियर्स जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो जो इंटरेक्शन है आगे जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है फॉर द फ्रेशर्स। इसी सीन में हमने ये जो है फ्रेशर्स अरेंज किया हुआ था। इसके साथ साथ हमारे जो आज के चीफ गेस्ट थे वो SSP साहब थे और यहाँ जो थे ADC साहब थे और उन्होंने भी हमें एश्योर किया कि दे विल प्रोवाइड एवरी काइंड ऑफ हेल्प जो उनसे हो पाएगा इन द नियर फ्यूचर। ये हमारी जो तैयारी थी, एक्चुअली हमने सर सुबह से जो हमारा कॉलेज का वो था प्रोग्राम था सुबह से ही चल रहा था और हमारे जो चीफ गेस्ट आए थे वो आफ्टरनून में आए थे, 12 से उनका आना सर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद सर हमारा लंच भी इधर ही हुआ था। आज हमारा ये फंक्शन था, फ्रेशर डे मनाया जाता है हर कॉलेज में, जब नए स्टूडेंट आते हैं तो उनको वेलकम करने का एक तरीका है और इससे जो है वो सब घुल मिल जाते हैं और पढ़ाई का सही काम शुरू हो जाता है, क्योंकि इस हर टाइम में भी हमने अपना इसको अंजाम दिया है। यहाँ पे बड़ा शेड्यूल बिजी था, ये हाल भी नहीं मिलने के मिल रहे थे, तो ये बच्चों ने बड़ी मेहनत करके ये दिन बनाया है और मैं कहता हूँ कि ये अब जल्दी इंशाल्लाह हर साल मनाया जाएगा। जैसे आपने देखा कि अभी कश्मीरी सॉन्ग, डोगरी, भद्रवाही, पंजाबी सारे कल्चर के सॉन्ग्स लोग और यहाँ पे एक तो डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनने के सब प्लस हम उनको एक अच्छा ह्यूमन बींग बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकें। इससे यही है कि बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और हर जगह हर टैलेंट को अपनाना चाहिए ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो और उससे एक डॉक्टर भी बनेगा प्लस एक अच्छा ह्यूमन बींग भी बनेगा जो कि पेशेंट की केयर करेगा।
It's responsible roads.